रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दसवीं की छात्रा ने परीक्षा में केवल 33 नंबर पाने के लिए शिक्षक को लिखा ऐसा ऑफर की उड़े होश। परीक्षा का समय एक ऐसा समय है जो हर छात्र छात्रा के लिए स्वाभाविक रूप से टेंशन लेकर आता है। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की होती है उसे भी एग्जाम के समय चिंता होना लाजमी है। जी पेपर कैसा होगा और रिजल्ट कैसा आएगा। किसी को ये फिक्र होती है कि पेपर तो अच्छा हुआ है, नंबर पता नहीं कितने आएंगे। हर कोई चाहता है उसका रिजल्ट अच्छा आए और वो पास हो जाए। ऐसे में सबसे बेहतर रास्ता है कि जम के मेहनत की जाए और बेहतर तैयारी हो। लेकिन कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं जो कुछ नए जुगाड़ अपनाते हैं जिससे परीक्षा में अच्छे नंबर लाए जा सके। जी हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पूरे साल मेहनत नहीं करते और इसीलिए परीक्षा के दौरान ये कुछ लिख नहीं पाते। जिसे एक वजह ये भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करते हैं कि इन्हें पासिंग मार्क्स मिल जाए। केवल 33% नंबर मिलना ही इनके लिए सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि इससे कम हुआ तो ये फेल हो जाएंगे। पहले तो विद्यार्थी केवल अध्यापकों से गुहार लगाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि उन्हें पास कर दे। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे तो कदम आगे ही निकल चुके हैं। आजकल के स्टूडेंट्स पास होने के लिए टीचर्स से गुहार नहीं लगाते बल्कि रिश्वत देने की बात करते हैं, और साथ ही में पार्टी भी। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसे ही छात्रों की कॉपियां काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिन पर छात्रों छात्रों ने एग्जामिनर्स से केवल 33% मार्क्स देने के बाद उन्हें पार्टी देने की बात कह रहे हैं। हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट में छात्रों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको पढ़कर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इन्हीं कॉपी में से एक टीचर ने दसवीं की एक छात्रा की कॉपी दिखाई जिसमें उसने लिखा था, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगी। ऐसे में मुझ पर काफी बर्डन है, पास कर देंगे तो आपकी कृपा होगी। इसके अलावा एक टीचर ने एक और बच्चे की कॉपी दिखाई जिसमें लिखा था कि सर अगर आप हमें पास कर देंगे तो हम आपको पार्टी देंगे और साथ ही 600 रुपए भी देंगे। इसके अलावा खांडसा स्थित गवर्नमेंट स्कूल के साइंस टीचर योगेश ने बताया कि एक विद्यार्थी की कॉपी में गालिब की शायरी लिखी हुई थी और इसके साथ ही यह भी लिखा था, प्लीज मुझे पास कर दें। इसके अलावा उसने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके साथ ही बसई स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केमिस्ट्री टीचर ने भी एक बच्चे की कॉपी के विषय में बताया कि एक छात्र ने अपने आंसर शीट में केवल कविताएं और शायरी लिख डाली थी, जिसके बाद उसे केवल 0 नंबर ही दिया गया और फेल कर दिया गया। अधिक जानकारियों के लिए यहां क्लिक करें।